तुम्हें मैंने कॉफी कहा था, तुम पानी क्यों ले आए? नहीं, वो बाजी ने कहा था कि कॉफी आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। यार रुस्तम, जब बाजी यहां होती थी तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होती थी, अब तुम उनके असूल नहीं भूलते। मेरा ही कसूर है सर, गलती मेरी है। उनसे कहें वापस आ जाएं। जाओ मेरी किताब लेके आओ, शेल्फ पे पड़ी है। यार रुस्तम, ये तुम्हें मेरी किताब लग रही है? पागल हो गए हो? वो वाली लाओ जो मैं कल पढ़ा था। सौरत की सारी चीजें पैक करके वापस भेज दूंगा। दिमाग खराब कर दिया। ठीक है। ओए ओए जी, क्या कर रहे हो उनके साथ? सर आप ही ने तो कहा था कि सामान को पैक कर दो। तुमसे थोड़ी कहा था, वापस रखो इन्हें। हिंदा उसकी चीजों को हाथ ना लगाना। और वो जो आप उन्हें वहां पर अकेला छोड़कर आ गए, अगर वहां पर उनको किसी ने हाथ लगा लिया तो क्या हो गया तुम्हें रुस्तम? जो मुंह में आता बकते थे। अगर इतना ही ख्याल था तो उनको वहां पर अकेला छोड़कर क्यों आ गए आप? क्योंकि जिसके पास वो वहां गई है वो उसका मेरे से बेहतर ख्याल करेगा, इसलिए। तुम जाओ। देखो मेरा क्या, मुझसे माफी मांगा था, मैंने मांग ली। अब मुझे कोई पशेमानी नहीं है। लेकिन उसने तुम्हें माफ नहीं किया। तो ना करे। देखो वो कुछ भी चाहता तो डिमांड कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया तो मेरा कोई कसूर नहीं है। वैसे ये है कितना स्टुपिड बंदा था। मुझे तो लगता है इस हरकत के बाद कि उसकी अकल उसके घुटनों में थी, उसकी टांगों के साथ साथ उसकी अकल भी थी। बाहर में जाए यार, मैं उससे नफरत करती थी, मैं उससे नफरत करती हूँ और रहूंगी। ऐसा लूजर ऐसी लाइफ डिजर्व करता है। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, पिछली दफा तुमने उसको धक्का दिया था, लेकिन अब उस बेवकूफ ने अपने पाँव पे ही कुल्हाड़ी मार ली और उससे फील भी नहीं हुआ। और मैं तो ये समझ रहा था कि वो बड़े पापड़ मिलवाएगा, तुमसे बड़ी मेहनत करवाएगा, वो तो फौरन ही मान गया। यार सुकून से सब कुछ खत्म हो गया, पीछा छूट गया मेरा, अब हम शादी भी कर सकते हैं। अरे शादी हम सेलिब्रेट करेंगे यार, हम आजाद हैं, घूमेंगे फिरेंगे, गाएंगे नाचेंगे, जो करना है करेंगे।